कुकिंग ज्यादातर इन्होंने किया या आपने? आज तो ज्यादातर कुकिंग नहीं करती हूँ लेकिन इनको कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, आज क्या क्या पकाया आप? सर आज ये आपके लिए खास कीमा है, बीफ कीमा और ये मटन कढ़ाई मेरे हाथ की है। बाकी जो है वो हलीम हमारी बेगम की स्पेशलिटी है और बस सब घर का ही है बाकी सब। गुस्सा कौन ज्यादा करता है घर में? कौन करता है मैं ही करता हूँ सर। ये सवाल तो मतलब ऐसा है कि इसमें अगर करती भी होती ये तो मैं कहता कि मैं ही करता हूँ, मैं हैरान नहीं करती, मैं ही करता हूँ। और मनाता कौन है? ये हमेशा ताबिश मनाते हैं क्योंकि जब हमारी शादी भी हो रही थी तो फर्स्ट जब मैं इनसे मिलना हुआ तो मैंने इनसे पूछा आपको गुस्सा तो नहीं आता? ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने यही कहा कि मुझे आता है और मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो इस चीज़ का शायद मैं थोड़ा फ़ायदा उठा लेती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो जब मनाना होता है इन्होंने ही मनाना होता है मुझे। शादी को कितना अर्सा हो गया? माशाल्लाह हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। दस साल हो। और लड़ाई कौन करता है? लड़ाई तो हम दोनों करते हैं, तो ऐसा नेचुरल सा है, लड़ाई तो हम दोनों ही करते हैं। ऐसा नहीं रोज नहीं करते, जब मौका मिलता है तो हम करते हैं। जब बहुत दिन से नहीं की होती तो फिर सोचते हैं लड़ाई कर लेकिन किन बातों पर लड़ाई होती है? किसी भी बात पर हो सकती है सर, बातें कुछ काम की होती है कभी लड़ाई के लिए। आप बताएं मियाँ बीवी में कभी काम की बात पर लड़ाई हुई है? हमेशा कोई फजूल बात, कोई छोटी बात, ये यहाँ क्यों रख दिया या ये वो क्यों लेट क्यों आए, जैसे कहीं मैं गई हूँ लेट हो गए, बहुत छोटी छोटी बातें। कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे हम नहीं कह सकते कि बहुत कई बड़ी बातों पे लड़ाई, झगड़े जरूरी होते हैं। कभी नाराज भी हुए एक दूसरे से कि गुस्सा हुआ, 2-4 दिन बोले ही नहीं? ऐसा होता है अभी दोस्तों के साथ बड़ा प्लान बन रहा हो, पता हो कि अब 3 दिन बाद जाना है, तो शायद प्लानिंग के तहत एक लंबा झगड़ा कर लिया जाता है। अच्छा कि भाई 3 दिन तक शायद बातचीत बंद रहेगी तो आज़ादी रहेगी। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा है कि होते हैं सर बातचीत, वो हर नेचुरल कपल की तरह 10 साल हो चुके हैं शादी में तो नाराज भी होते हैं। इन्हें कौन सी चीज़ सबसे पसंद है खाने में? खाने में इनको सबसे ज़्यादा निहारी, हलीम और कीमा, ये वाली चीज़ें इनको बहुत पसंद है। निहारी का निहारी तो बहुत ज़्यादा, जिसको ये मिस भी कर रहे हैं शायद। लाहौर मिस करते हैं थोड़ी निहारी, कराची से निहारी। हाँ निहारी यहाँ भी बड़ी अच्छी है। अच्छी है मगर बेहतरीन कराची में मिलती है। यहाँ असल में एक जो डिफरेंस है कराची और लाहौर के खानों में वो है घी का। यहाँ पर घी और मक्खन के तड़के को समझा जाता है कि ये टेस्ट डेवलप करेगा खाने का। हाँ। कराची में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना घी डालने का कॉन्सेप्ट नहीं है। कराची में मसालों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो वो डिफरेंस है मेन। बाबा फनी है। अच्छा कैसे? जो करते आपके साथ टमाटर। बाबा को चाइनीज खाने बहुत पसंद है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आप बताएंगे कुछ डैडी के बारे में? No, I don't know. डैडी जो बाबा डैडी बाबा।